हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरी लोमटे। आज हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में जीरा आलू। जीरा आलू माइक्रोवेव में कैसे बनाया जाता है आज हम देखते हैं। इसको हम उपवास में भी खा सकते हैं। उपवास का आलू जीरा आइए हम बनाते हैं माइक्रोवेव में। सबसे पहले हमने चार आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू लिए हैं, उनको हमने छील लिया है अच्छे से। और अब हम इसके पीस करेंगे और फिर हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने चार आलू के छिलकर उसके पीसेस कर लिए हैं और एक हरी मिर्ची ले ली है काट के। अब हम इसको माइक्रोवेव के बाउल में इसको बनाएंगे। ये हमने माइक्रोवेव में यूज़ होने वाला कैसरोल ले लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, आधा एक चम्मच जीरा डालेंगे इसमें और एक हरी मिर्च डाल देंगे। और अब इसमें आलू के पीसेस डाल देंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये भी आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने बाउल में सारे आलू, नमक, मिर्ची, तेल, जीरा सब ऐड कर दिया है और सबको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढककर माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए बैक करने के लिए रखेंगे माइक्रो मोड पर। ये हम बना रहे हैं उपवास की फरियाली सब्जी। अगर आप नॉर्मल सब्जी भी बनाना चाहें तो इसमें आप हल्दी पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं। जो भी हम सब्जी में डालते हैं वो सारी चीज़ें ऐड करके आप इसी प्रकार से बैक कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत आसान है माइक्रोवेव की फरियाली सब्जी आलू की। माइक्रोवेव में बाउल रखने से पहले आप इसका सरफेस चेक कर लीजिए कि इसके सरफेस गीला तो नहीं है माइक्रोवेव में, क्योंकि माइक्रोवेव की जो ग्लास डिश रहती है वो बहुत गर्म हो जाती है और जब हम ये बाउल रखेंगे और उसका सरफेस गीला रहेगा तो वो रिएक्ट भी कर सकता है। इसलिए माइक्रोवेव में बाउल रखने से पहले हमेशा चेक कीजिए उसको कि सरफेस गीला तो नहीं है। हम अब इसको माइक्रोवेव में रखते हैं। अब हम बाउल को माइक्रोवेव में रखेंगे, माइक्रो मोड पर 5 मिनट सेट करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम कैसरोल को बाहर निकालेंगे माइक्रोवेव में से। कैसरोल का ढक्कन हम एकदम नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा हम इसको इस साइड से ढक्कन को खोलेंगे ताकि भाप उस साइड सारी निकल जाए। उसके बाद ही हम ढक्कन को हटाएंगे। इसकी बहुत गर्म भाप रहती है, एकदम मुंह पे आ सकती है। ये हम धीरे से करके ही थोड़ा सा खोल के और फिर ढक्कन को पूरा हटाएंगे। ये देखिए, हमारे आलू एकदम रेडी है। उसमें अच्छे से तेल वगैरह सब मिक्स हो गया है। ये देखिए, हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें, क्योंकि ये उपवास के आलू की सब्जी है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दाने का कूट डालेंगे। इसमें दाने का कूट ऐड करेंगे, 3-4 चम्मच दाने का कूट डालेंगे। दाने का कूट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें छोटी आधा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से उपवास की सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सबको मिक्स करके आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव में बैक करने के लिए रखेंगे। इसका ढक्कन वापस से हम ढक देंगे और अब हम इसको माइक्रोवेव में आधा मिनट के लिए बैक करें। माइक्रो मोड पर आधा मिनट सेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे।
आधा मिनट हो गया है। अब हम बाउल को बाहर निकालेंगे, धीरे से ढक्कन को हटाएंगे हम। देखिए हमारी आलू की सब्जी एकदम रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। माइक्रोवेव में आलू की सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को भी आलू की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए आप इजी वे में एकदम सरल तरीके से माइक्रोवेव में आलू की सब्जी बना सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे एक बार, और इसको 2 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम के लिए हम ढक्कन बंद करके रख देंगे। माइक्रोवेव में सब्जी बनाने के बाद तुरंत आप उसका यूज़ ना करें, उसको 2 मिनट स्टैंडिंग टाइम दें, उसके बाद ही उसको सर्व करें। माइक्रोवेव में आलू की सब्जी बनकर तैयार है। माइक्रोवेव में आलू की सब्जी बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इसे बनाने के बाद अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।